और विक्रम भैया है, बद्री जी है। तो अभी फिल्म के सिर्फ नाम सेलेक्ट फेल हुआ, स्टोरी क्या रही ये हम लोग बाद में सोचेंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे। पवन जी, 5 फिल्में एक साथ अनाउंस हुई हैं आपकी, सारेगामा ने जिस तरह से गानों का सिचुएशन हालात बदल दिए, 5 फिल्में आपके साथ, जब ये फिल्में बनाने के बिजनेस में आए तो आपके साथ आपको इन्होंने चुना, जिम्मेदारी कितनी बड़ी मानते हैं पावर स्टार पवन सिंह खुद के ऊपर, कितनी बड़ी कंपनी ने इतना बड़ा भरोसा जताया है? देखिए क्या है पंडित जी, काम कोई भी हो, वो सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, हमारे लिए पूजा है। और किस काम को हम कैसा करते हैं, ऑडियंस हमारे जो हमारे भगवान हमें कितना प्यार मिलल, जेके सबसे ज्यादा प्यार मिल जाए वो हमारा फेवरेट हो जाएगा। तो जिम्मेदारी तो जब से हमारे श्रोता जो है, जिम्मेदारी जब से मिला तो उस जिम्मेदारी को हम लोग बहुत अच्छे से निभाएंगे। विक्रम जी से सवाल है मेरा, विक्रम जी ऐसा वक्त जब भोजपुरी के ज्यादातर सिंगल प्लेक्स थिएटर्स बंद हो रहे हैं, ऑडियंस का उसमें एक के बाद एक थिएटर्स बंद होने के बाद ऑडियंस की कमी हो रही है, क्या ये सही समय है सारे काम जैसी बड़ी कंपनी का इस बिजनेस में एंटर करने का? 3-5 साल पहले मुझे यही चीज भोजपुरी के गानों के बारे में बोली गई थी कि क्या ये सही समय है गाने लॉन्च करने का। 7 साल पहले हमने कारवा करके प्रोडक्ट लॉन्च किया था, मुझे पूछा गया था कि डिजिटल के जमाने में आज की तारीख में डब्बा कौन लॉन्च करता है। आई थिंक हमने कई बार ये प्रूफ करा हुआ है कि जो भी दिशा में पानी बह रहा है हम उसके अलग जाते हैं और जीत के दिखाते हैं। मुंबई आते नहीं है यार, मुंबई आएंगे नहीं, मुंबई हमारे लिए कर्म भूमि है, मुंबई ने ही बताया है, दिखाया है कि हाँ हमारे अंदर क्या हो रहा है, नहीं तो जीवन कुछ और था, लेकिन जीवन जीवन में बदल गया ये मुंबई ने ही बताया है। कुछ देर पहले मैंने देखा बद्री भैया ने आपसे कहा है कि आपने वादा किया है 5 फिल्म, तो उसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि भाई वादा करने की आवश्यकता आ गई? कितने डेडिकेटेड है पवन जी, जब आप इनसे बात करेंगे तो जैसे भोजपुरी में होता है कि गए शूट कर लिए, और उनके साथ वैसा नहीं है, मतलब आपको एक प्लान दिखाना पड़ता है। जब हमने मोहब्बत अब बिछाता किया था तो सिर्फ सॉन्ग ही था, लेकिन इतनी डिटेलिंग कि अभी मैं शूज पहनूंगा या नहीं पहनूंगा, एक शॉट था जहाँ पे हमारा टाइम खत्म हो गया था, तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है नहीं लेते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये शॉट ये तो बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक सुबह 11 बजे शूट करना शुरू किया था हमने, और दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक शूट किए थे, उसके बाद नेक्स्ट डे भी एक पैच वर्क किया था। तो अगर एक गाने के लिए वो इतना डिटेलिंग ले जा सकते हैं तो फिल्म के लिए ऑब्वियसली, तो बाबा नेचुरल बात हमारा से सुनिए। जहां पे हम जाए काम करे खातिर, और सेट पे बैठल बने का अच्छा भैया आ गए बैठाओ, हम भी थोड़ा वॉच करते हैं कि अच्छा ये पोजीशन है भैया आ गए, ठीक बात चल तो साथ ये करिए, काहे के दिन दिन में मेहनत रहे तो ना कर जाओ। लेकिन एक बात है, मैं जिस सेट पे पहुंचूं और देखूं कि यहाँ काम हो रहा है तो उस स्थान पे पवन सिंह से ज्यादा स्पीड भी कोई दिखा दे तो मैं मानूं। काम को क्यों बोला जाता है कि काम पूजा है, इसलिए बोला जाता है। बद्री भाई जैसे हमारे आप सब के बीच में रजनीश भैया बैठे हैं, लखनऊ में हम लोग 27 दिन में एक फिल्म कंप्लीट करके आए हैं जिस फिल्म का नाम है सूर्यवंशम, लव यू बाबा, क्या आपने काम कराया है, थैंक यू सो मच आपको दिल से। तो बद्री भाई जो हमारे हैं, ये सेट पे बंदा जब पहुंचता है तो सिर्फ काम काम काम, हमारा काम कैसे अच्छा, अच्छा भाई जी ऐसे करें क्या, अच्छा भाई जी ऐसे करेगा, अच्छा हाँ इसको ऐसे करते हैं, तो क्या ना वहां दिल लगता है,
मन करता है कि हाँ जानो चल जी, तब चल जी चल जी, जान ना जाइए आदमी अमर हो जाएगा। लव यू मेरा बद्री भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिहार तमाम 5 फिल्में हमने देखी, आपके दिल के करीब कौन सा टाइटल लगा हुआ है? मैंने बोला ना कि काम पूजा है हमारे दिल के करीब, सब टाइटल सब काम हमारे दिल के करीब पर। और जो टाइटल जो मैंने देखा, एक वो टाइटल पे थोड़ा सा वर्कआउट होगा, उसको हम लोग चेंज करेंगे। बाकी जो टाइटल हमने देखा, विक्रम भैया, अजीत भैया, आपका शुभना भैया, सिद्धार्थ जी, बद्री भाई जी, मैंने पहले ही बोला कि सारे गामा की टीम पे हमको इतना उम्मीद बा, खुद से भी ज्यादा। जवानी टाइटल बा, तो टाइटल जब देखिए अगर वहां खड़ा हो गए, पिक्चर देखला के बाद गर्मी तो ना करी थी। पूजा, फिल्में मस्ती से जो फिल्में आप पांच फिल्में अनाउंस की गई है, कब से शुरू होगी कुछ बताइए हमारे दर्शकों को और हमें। अभी तो परसों हम जाते नहीं लंदन, आई 25 दिन के बाद, फिर 10-12 दिन आदमी बिजी रहेगा अपने सॉन्ग में। इसके बाद जब विक्रम जी का आदेश होगा किया जाएगा। और सर, जैसा कि देखा जा रहा है पहले और अब में गाने आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे में फिल्मों को समय कैसे मिल पाएगा, कैसे आप दोनों चीजें की लेकर चल पाएंगे या गाने कब होंगे? मैंने कुछ दिन पहले भी इंटरव्यू दिया था कि हमारे ऑडियंस जो जितना प्यार करते हैं, जितना हमको सलाह देते हैं कि भैया ये ठीक नहीं के, भैया वाह, मन खुश हो गए। तो पब्लिक के प्यार जो और बाना, वो इतना एनर्जी दे देता है कि हर चीज छोटा दिखता है, कोई चीज बड़ा नहीं है। हर काम, वो चाहे सिंगिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे और कुछ भी हो, मस्ती में होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पवन जी नमस्कार, मैं रेहान बोल रहा हूँ लहरे भोजपुरी से। इन 5 फिल्मों को जो आपने साइन किया है सारेगामा और युगली फिल्म्स के साथ, बहुत बहुत बधाई लहरे की तरफ से भी। थैंक यू भैया। मेरा सवाल ये है कि आपकी एक और फिल्म आने वाली थी हर हर गंगे, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, दर्शक बहुत ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है, इसके पीछे का कुछ? हर हर गंगे की टीजर आई, पर ट्रेलर आई, 2-3 घंटा के डबिंग हमारे बाकी हुआ। और हम लोगों ने जो हर हर गंगे फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं हमारे अभय भैया, अभय सिंह जी, हम लोग डिसाइड की आपस में सलाह किए कि भैया ये बारिश में फिल्म को रिलीज ना किया जाए, मेहनत बेकार चलिए। तो हम लोगों ने ही डिसाइड किया है कि हर हर गंगे जो हमारी फिल्म है वो नवरात्रि के शुभ अवसर पे आएगी। ठीक है, कहीं भी आदमी मेहनत करता है, काम करता है, फिल्म क्यों बोला जाता है कि फिल्म है? या तो आप चलिए, नहीं तो कैमरा चले, नहीं तो कैमरा चले नहीं तो हम चले, यही फिल्म है। फिल्म फिल्म है। मान लो कि हम एक फाइट मारनी घर फंस गए, साचो घर फंस जाएगी। ठीक है, जो चीज अगर, जिस चीज में अगर रियल पना की थोड़ी कमी अगर दिख रही है, उसको सुधारा जाएगा। पवन जी, आप ज्यादा फिल्में तो वैसे भी साल में करते नहीं है, 4 फिल्में जहां तक मैं समझता हूँ करते हैं, जब 5 फिल्में अकेले सारे गाथा के साथ आप करेंगे, तो बाकी लोग बाकी में तो कैसे समय दे पाएंगे? देखिए क्या है, पिक्चर तो 2010 में हमारा 18 को रिलीज हुई रहे, 21 साल में। लेकिन वो आदमी सीखता है, बोलता है, या भगवान जब, या हमारी ऑडियंस जब स्थान देते हैं तो आदमी सेलेक्ट करता है। मैंने खुद ही डिसाइड किया कि मुझे साल में 5 ही पिक्चर करनी है, उससे ज्यादा फिल्म नहीं करूंगा। जो भी आदमी मेहनत करेगा, वो मेहनत को, हर फिल्म को, जो भी फिल्म हम लोग करेंगे उसको त्योहार पर रिलीज करेंगे। सर, ये भी है कि अगले साल से चुनाव शुरू हो जाएंगे और इस बार पवन जी जो है वो
एक बात तो तू लोग चुनाव लड़ा दिए वो लड़ जाए ठीक ना। हमारे ऑडियंस ने ही मुझे गायक बना है, गायक से नायक बना दिए। अगला जो भी बनूंगा हमारे ऑडियंस ही बनाएंगे। जो भी पद मिलेगा हर कुर्सी बाद में बैठेगा, बट काम तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि काम ही प्यारा है और काम ही हमारे लिए भगवान है। और आदमी कहीं भी बैठेगा तो अपने सिंगिंग के दम पे ही बैठेगा और अपने एक्टिंग के दम पे ही बैठेगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो अब इस सावन के अवसर पे पवन जी एक जबरदस्त कांवर गीत लेके आ रहे हैं हम लोगों के लिए, तो उसका एक छोटा सा झलक मैं चाहता हूँ। सर, मेरा एक सवाल रह गया है, मैं पूछना चाहता हूँ। सर, आपने बिग बॉस में मनीषा रानी को सपोर्ट किया है, क्या आप उनको सपोर्ट करने के लिए बिग बॉस में भी जाएंगे? अगर बिहार की बेटी बिग बॉस के घर में गई है उसको सपोर्ट करना हमारा फर्ज बनता है। बिहार की बेटी हो चाहे यूपी की बेटी हो, चाहे कहीं की भी बेटी हो, बटुकरे इर्द गिर्द भोजपुरी की खुशबू आ जाए तो उसके लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। खबर ऐसी है कि जियो सिनेमा भी भोजपुरी बिग बॉस शुरू करने वाला है, क्या हम सलमान खान की जगह आपको देख सकते हैं होस्ट करते हुए बिग बॉस भोजपुरी? ये संभव नहीं के भैया, हमारा से एंकरिंग ना हो जाए। इक्के बतिया के बार 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 उदे थाकल होके चाहे मूड बनल होके चाहे खराब होके ये वर्कआउट हमसे नहीं हो पाएगा। सवाल आपसे, आपने कहा कि बिहार उत्तर प्रदेश और मुंबई मिला के तो रिलीज करने के लिए थिएटर्स कहाँ से बढ़ाएंगे, या फिर ऐसा क्या किया जाए जिसे बाकी भाषाओं की फिल्में जो है मल्टीप्लेक्स रिलीज होती है वहाँ की सरकार उस पहल करे कि भोजपुरी फिल्में भी जो है मल्टीप्लेक्स में रिलीज हों, ऐसा कुछ क्या कह सकते हैं? देखिए, मेरा ये मान के चलना है कि अगर ऑडियंस लौट के थिएटर में जाना शुरू कर देगी थिएटर का बिजनेस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं जब बिहार के और यूपी के अंदर कस्टमर से बात करता हूँ वो कहते हैं कि पिक्चर में इस लेवल की पिक्चर नहीं आ रही था, मैं देखने का मन नहीं करता है। एक बार अच्छी क्वालिटी पिक्चर आएगी लोग थिएटर में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, नया इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा ये मान के चलना है ऑडियंस और सरकार इस पर भी बहुत तवज्जो दे रही है, थिएटर की इकोनॉमी फिर बूम करेगी और थिएटर के साथ साथ आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवी चैनल्स और यूट्यूब रहेगी। तो ओवरऑल कोशिश यही है कि कोई इंसान बंबई बैठा हुआ ना हो, अगर वो केरला और कर्नाटका में भी बैठा हुआ हो, जिस तरह हम वहाँ बड़े गर्व से अजीत की पिक्चर या मोहनलाल जी की पिक्चर देखते हैं, वैसे ही वो लोग पवन की पिक्चर भी देखेंगे। आप सभी का प्लीज आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए और हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यही खत्म करते हैं।